कुछ विशेषीकृत जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एशिया महादेश के बारे में। तो जो एशिया है, आप देखेंगे यहाँ से एक लाइनिंग बनता है और ये लाइनिंग जो है आपका अन्य क्षेत्रों से इसको अलग करता है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो लाइनिंग है वो क्या है और ये कैसे इसको अलग करता है। तो ये जो ब्लैक वाला लाइन मैंने कहा, ये यूराल पर्वत है अथवा यूराल नदी है। यूराल पर्वत भी यहीं से है और यूराल नदी से यही भी यहीं से है। तो यूरोप से एशिया जो है आपको यूराल पर्वत एवं यूराल नदी द्वारा अलग किया जाता है। क्लियर, यूराल पर्वत अथवा यूराल नदी द्वारा यूरोप से अलग किया जाता है। हम लोग उसको मान बैठे हैं, है एक जी जी यूरोप के सटले एशिया एक ही है। हम लोग राजनीतिक कारण से इसको भौगोलिक सीमा बना दिए हैं जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि ये भगवान बना के भेजे हैं, ये पूरा का पूरा एक जमीन है, एक लैंड है। लेकिन इसको आसान करने के लिए यहां से यहां तक के भूगोलवेताओं ने पूरा का पूरा इसको एशिया करार दिया उधर का इसके पूरब। और ये जो लाइनिंग है, अब आप कहां से खींचेंगे, तो जाएंगे दोनों के बीच में तो एक यूराल पर्वत है और उसी यूराल पर्वत के पूरब वाला हो जाता है एशिया और पश्चिम वाला हो जाता है यूरोप। ठीक है, अब यूरोप में हम एक एक करके बताएंगे कि कितने देश है, एशिया में भी बताएंगे एक एक करके कितने देश है, एशिया की क्या विशेषताएं हैं, यूरोप की क्या विशेषता है, उत्तरी अमेरिका की क्या विशेषता है, दक्षिणी अमेरिका की क्या है, अफ्रीका की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एंटार्क्टिका की क्या है, एक एक तोड़ेंगे और फिर उसके नॉलेज को देने के बाद क्वेश्चन टॉपिक चलेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सके। अभी के एग्जाम कभी भी समझ से बनाइएगा तो आप सफल होइएगा, आप वन लाइनर रटिएगा नहीं होइएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम ये जो लाइनिंग बना, यहां ये देखिए एक और डेविएशन यहां किया गया है, ये है आपका मिडिल ईस्ट एशिया। इसको मिडिल ईस्ट एशिया कहा जा रहा है, ये कोई महादेश अलग नहीं है, ये मध्य पश्चिमी देश। इसको क्या कहते हैं आपको, साउथ ईस्ट एशिया। इसको जो जो है आपका यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से इसको बांटा जाता है, जिसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है। इस सब जो है आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, इसको बोलते हैं आपको मध्य पश्चिमी एशियाई देश, ईस्ट है। ये क्या है आपका, नहीं ये अलग है, हाँ ये देश बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये आपका इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ पर तिब्बत हो गया, ये सब जो देश है, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया हो गया। तो ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आता है, ये कई देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। ना चार भागों में नहीं, समझने के लिए हम लोग उसको कई भागों में तोड़े हैं, बटा नहीं है, समझने के लिए कि किस क्षेत्र में ऐसा हो रहा। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, इसी ढंग से ये क्या है आपका मध्य पश्चिमी एशियाई देश, और ये पश्चिमी एशियाई देश, ये उत्तरी एशियाई देश, ये मध्य एशियाई देश, ये पूर्वी एशियाई देश। अपने सुविधा के लिए राजनीतिक कारणों से लोग नोमेनक्लेचर करते रहते हैं, ताकि इस प्रकार संगठन भी बन रहे इन लोगों के, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संगठन, कोई जो है हिंद महासागर से जुड़ा है वह हुआ है वो संगठन। लेकिन ये महादेश एक ही है, महादेश अलग नहीं है, महादेश में एशिया ही महादेश है और उसी में इसको डेविएशन किया जाता। अब ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे इसमें देश है जो आपके अपने आप को यूरोपीय कहते हैं लेकिन उसका मैक्सिमम भूमि जो है एशिया में है, जैसे आपका रूस है। तो देखिएगा रूस का जो ये क्षेत्र है आपका, ये आपका कुछ यूरोप में है कुछ एशिया में, लेकिन पूरा का पूरा रूस इतना बड़ा है। अब सोचिए कितना बड़ा रूस है, इतना बड़ा लगभग सर क्षेत्रफल से अधिक एशिया है, एशिया है, रूस है।
ना ना क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल में बड़ा है। क्षेत्रफल से नहीं होता है। अगर सवाल पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस होगा एकदम से। पहले उसका नाम था USSR, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिकन। लेकिन 1991 में मिखाइल गोरबाचोव ने जो है आपके ग्लासनोस्ट का सिद्धांत लाया, और उस सिद्धांत के कारण उसके देश 15+1 यानी 16 कंट्री में टूट गया, जिसमें रूस एक सबसे बड़ा देश बचा। यूक्रेन वगैरह जितना भी देखे होंगे संघर्ष हुआ है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सब जो है आपके यूएसएसआर से ही निकला हुआ देश है। ये संगठन टूटा, जैसे कैसे भारत से ही आपको पाकिस्तान निकला और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, तो इस तरीके से ये टूटा हुआ सब छोटे छोटे देश है। अमेरिका जुट रहा है लेकिन एशिया टूट रहा है। अलग अलग एकदम अलगाववाद की मांग है, अपने अपने स्वार्थ के कारण लोग औद्योगिक विकास कम कर रहे हैं, शैक्षणिक विकास कम कर रहे हैं, सामाजिक विकास कम कर रहा है, समानता की कम, लड़ाई आप अपनी की ज्यादा है, धर्मवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, यानी कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा पाएं, ये आपके एशियाई कंट्री में ज्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल। अब देखेंगे आप कि ये तो हो गया आपका एशिया। अब आप अगर देखेंगे कि उराल पर्वत के अगर इधर जाएंगे आप, तो ये देखिए ये भूमध्य सागर है, ये आपका जो है पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है, ये जो है आर्कटिक महासागर है, और यहां से अफ्रीका है। हाँ जी, चीन तो इसी में आता होगा जी। हाँ, चीन अभी तो बोलबे किए हैं आपको कि ये पूरा भारत के उत्तर में जो ये आप एरिया देख रहे हैं इंडिया का, तो ये सब इधर नेपाल भूटान के अलावा सब चीन है। बहुत बड़ा, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो तीसरा बड़ा देश चीन होता है। जनसंख्या में नंबर वन है पूरे विश्व का, और अगर क्षेत्रफल में देखें तो ये विश्व का तीसरा बड़ा देश है। नंबर वन आपका ये रसिया हुआ, और नंबर टू आपका यहाँ पर कनाडा हुआ, नंबर तीन आपका ये हुआ, और चार में आपका आ जाता है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पांच में आ जाता है ब्राजील, और छह में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और सात में आता है इंडिया आपका। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल पर भी इंडिया हाँ बहुत कम है, अगर सातवां नंबर पर है। और देखेंगे इसका क्षेत्रफल तो देखिए ना, इतना प्रतिशत है पूरे विश्व का, स्थल खंड का 2.43% पर ही इंडिया है। हाँ कम है, तब ना सत्रह पर है, लेकिन देखिए पॉपुलेशन में हम कितने पर हैं, 17.5%। हमारे यहाँ भूमि है पूरे विश्व का 2.43%, और यहाँ पर हम पॉपुलेशन में 17.5%, यानी कि कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिएगा, आपको बताते रहेंगे हम। ये अफ्रीका में देखेंगे कि अफ्रीका जो कंट्री है इसमें 54 कंट्री है, और इसमें हम एक दक्षिण अफ्रीका यहां है। कुछ लोग इस दक्षिण अफ्रीका देश से ही पूरा अफ्रीका को समझ जाता है, ध्यान रखेंगे यहां दक्षिण अफ्रीका अलग है और अफ्रीकी महादेश अफ्रीका महादेश अलग है। छोटे छोटे 54 देश है, और यहां से आपको कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ये एकमात्र महादेश है जहां से तीनों ही रेखाएं गुजरती है। अमेरिका में देखेंगे आप तो यहां से एक 49 डिग्री चैनल गुजरा है जो आपके कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अलग करता है। एक ध्यान रखेंगे ये 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से अमेरिका जो पूरे विश्व में अपनी सैन्य क्षमता से दादागिरी दिखाता है, अपने पड़ोसी कनाडा से कैसा संबंध रखा है कि नो मैन लाइन कहते हैं, एक आदमी बॉर्डर पर नहीं है। इतना बड़ा एरिया है जो शायद भारत के दो तरफ के सीमा के अकेले बराबरी कर लेगा, इतनी लंबी चौड़ी सीमा है, लगभग 4,500 किलोमीटर। इसके बावजूद भी यहां पर एक भी आदमी इस बॉर्डर पर नहीं रहता, कोई संघर्ष ही नहीं है। कनाडा के लोग भी ईमानदार है और आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग भी ईमानदार है, एक दूसरे के खिलाफ पूरी की पूरी तरह कोई कार्रवाई नहीं करते, एक दूसरे के विकास में सहयोग देता है लोग। अब यहां देखेंगे आप कि ये भी विकसित है,
और आपका यहाँ पर अमेरिका भी विकसित है, अमेरिका इधर भी है, जिसको यूएसए हम बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो है आपका यहाँ से ये पनामा नहर है जो कटती है। ये पनामा नहर आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अब ये दोनों महासागर जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो व्यापार करना आसान है, अन्यथा बताइए यहाँ से अमेरिका के माल को इतना घुमा के ले जाके यहाँ देना पड़ता, कितना कठिन होता। और ये बीच से हम लाइन बना दिए हैं तो आसानी से पानी के जहाज जो है पहुंच जाते हैं। और आपको पता होगा कि समस्त परिवहन सुविधाओं में जल के माध्यम से अगर कोई परिवहन हम दे पाते हैं तो वो सबसे आसान होता है, सस्ता होता है। जी जी, अब देखेंगे आप कि ये जो दक्षिण अमेरिका है आपका, इसमें जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका के, इसमें सबसे बड़ा ब्राजील है आपका, और इस तरीके से ये लंबा सा चिली है। अब यहां देखेंगे यहीं पर आपका जो है गर्म ज्वालामुखी का उद्गार होता है जब समंदर में, यानी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो यहां से दो प्रकार की हवाएं चलती है, आप लोग बार बार सुने होंगे। जब एक ठंडी हवाएं तेज गति से चलती है तो उत्तरी ध्रुव से चलती है, और गर्म हवाएं चलती है तो यहां से चलती है। तो जब यहां से चलती है तो उसको बोलते हैं लानिनो, और यहां से चलती है तो अलरीनो। तो समुद्र से जब ज्वालामुखी निकलता है तो वैसी स्थिति में वो भाप और गर्म हवाएं जब चलती है जहां से भी, तो वो अलनीनो हो जाती है। जिधर से गुजरेगी वहां मॉइस्चर लेस कर देगी, जंगल सूखने लगेंगे और आग लग जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों से जब चलेगी तो वो लानिनो होती है। अलनीनो ये गर्म हवा, लानिनो ठंडी हवा होती है। खैर, थोड़ा सा यहां आएंगे हम। यहां देखेंगे आप एंटार्क्टिका में आदमी कोई है ही नहीं, यहां पर केवल अनुसंधान किया जाता है, खोजों का महादेश है। हालांकि कुछ जीव जंतु ऑस्ट्रेलिया से जाकर यहां पर जो कीवी वगैरह है, या मछलियां देखिएगा तो छोटी छोटी जो क्रिल मछली है, या फिर आपका जो अन्य शैवाल घास वगैरह है, ये यहां होते हैं। भारत ने भी अपना 4 अनुसंधान केंद्र यहां पर खोल रखा है। लेकिन यही देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, यहां की 90% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिटेन की है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जो है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके पश्चिमी भाग में जो है वर्षा नहीं रुक पाता तो रेगिस्तान है, पूर्वी भाग ज्यादा विकसित है, तोड़ तोड़ के करेंगे आपको। और इस तरीके से यहीं पर ओपेरा हाउस है आपका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कोने पर, जहां पर आपको देखे होंगे ओलंपिक खेल भी हुआ था और काफी इसको प्रसिद्धि मिली थी। ये सब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है जो आपको दो भागों में देख रहे हैं, टूटा हुआ है। ये सब जापान का वगैरह द्वीप है, यहाँ नौरू है, किरीबाती वगैरह है। ये हम करने इस मैप पर नहीं आए हैं, मेनली जो आए हैं वो देखने की यहाँ बात है कि ये देखिए अक्षांश है, ये विषुवत रेखा से जो गुजरती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। बोलिए बाबू जी। यूरोप में तो देश है ही, एक देश है आपका, यहाँ पर आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, आपके स्पेन है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, ये हम तोड़ेंगे, ठीक है जी। 54 कंट्री है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सभी महादेश में देश है, इसमें एगो देश कोई नहीं है, ठीक है। एंटार्क्टिका, हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कई देश है, वो हम तोड़ेंगे आपको एक से जब कंटिनेंट में चलेंगे। तो आज मेरा जो अभी उद्देश्य है वो है केवल कि किस अक्षांश पर पड़ता है ये देखना है। तो ध्यान रखेंगे ये विषुवत रेखा इसको हम बोलते हैं जो बीचों बीच से गुजरती है, इसको हम 0° अक्षांश रेखा भी कहते हैं। देखिए 0° इक्वेटर भी इसको कहते हैं, दीर्घवृत्त भी इसको कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। अब देखेंगे कि इससे कौन कौन सा महादेश पड़ता है। तो आपको पूछ दिया था अभी के क्वेश्चन में आपके एनडीए वाला में कि विषुवत रेखा किस महादेश से होकर नहीं गुजरती है। अब उसमें नॉर्थ अमेरिका भी ऑप्शन में था, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, यूरोप भी था नहीं होगा, एंटार्क्टिका भी था नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो छांटना होगा, तो ये देखिए आपको साउथ अमेरिका पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा, और इस ढंग से एशिया पड़ेगा। ये 3 महादेश आपको जो है, ये अफ्रीका,
साउथ अमेरिका एंड एशिया, तीन पर रहे हैं आपके विषुवत रेखा पर, बाकी विषुवत रेखा पर नहीं पर रहे हैं। अगर इसको कहा जाए तो नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, क्लियर, इसको छांट सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से इसको एकदम, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पड़ेगा, इसको भी छांट सकते हैं। तो ये देखेंगे, फिर इसी ढंग से आपको हम लोग देखे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर कौन पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे यही आपका कर्क रेखा गुजर रही है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका भी पड़ रहा है, अफ्रीका भी पड़ रहा है, एशिया भी पड़ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो मिडिल ईस्ट कोई महादेश नहीं है, ये एशिया का ही एक पार्ट है, एशिया का ही। तो इसलिए आपको इसमें देखिए ये तीन पड़ा, आपको एक दो और तीन, कौन नहीं पड़ा तो देखेंगे, ये नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, इस तरीके से ये नहीं पड़ा। अब पूछे कि मकर रेखा पर जो है कौन कौन रेखा पड़ती है, तो यहां देखेंगे हम मकर रेखा यहां से खींच देंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि ये आपका, हाँ दक्षिण अमेरिका है, इसी ढंग से अफ्रीका है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस मैप को देखने के दौरान, हमें पढ़ने के दौरान इन सब चीजों को ध्यान में रखना भी चाहिए। दूसरा कि इसका विस्तार कहाँ तक है और ये किन किन को छूता है, जब भी हम मैप देखें तो इन पर ध्यान दे के पढ़ेंगे। बाकी एक एक महादेश हम फिर करने जा रहे हैं आपके भी, तब तक के लिए नमस्कार।